हाँ तो दोस्तों, अभी देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत ही जंगल है, जंगली रास्ते से। आप देख सकते हैं किस तरह का ये जंगली रास्ता है। इधर ये देखिए, इधर ऐसा पूरा ये नज़ारा, इस तरह का ये जंगल सा है रास्ता। इसी के बीच जाना है हमें, और इधर जंगली जानवर भी आते हैं थोड़ा बहुत, उसे भी देखना है। ये देख लीजिए किस तरह का ये है, ये किनारा है, ये भूस्खलन हुआ है वो है यहाँ पे। ऐसा देख सकते हैं, ये जंगल का नज़ारा है पूरा। हम लोग बहुत ही दिक्कत से बाइक वगैरह नहीं जा सकते हैं इधर, क्योंकि रास्ता भी है थोड़ा बहुत, वो भी उबड़ खाबड़ है, बाइक नहीं जा सकते हैं। इधर देख सकते हैं इस तरह पूरा ऐसा है। अब यहाँ पे हमें एक नदी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, अब नदी में हम आ गए। यहाँ पे एक नदी दिखाई दे रहा है इस तरह। इधर पेड़ पौधे कम है थोड़ा, पेड़ पौधे की आबादी जो है कम है। यहाँ देखिए, ये जो है पानी बह रहा है कहीं से, ये जो इस तरह पानी बह रहा है। इधर एक नाला टाइप है, नली वाला, नदी सा कुछ है, दृश्य है ऐसा। ये देख सकते हैं, ये बांस उसका पेड़ है। ये देखिए, इधर ऐसा नज़ारा है पूरा। ये रिवर भी है जो मौत के मुंह में चल गया है। इसमें एक भी बहुत सारा कीचड़ है। बरसात के दिनों में ये नदी जो है पूरा इधर से किनारों पर उफान मारती हुई जाती है। इधर से ही देखिए, उफान मारती हुई पूरा जाती है ये नदी। और अभी तो फिलहाल पानी इसमें समाप्त नहीं के बराबर है, मैंने कुछ जा रहा है ऐसा नहीं है। ये सदाबहार नदी है, हमेशा बहती ही रहती, चाहे थोड़ा ही क्यों ना बहे, हमेशा बहती है ये नदी। बहुत ही पानी वाली नदी है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सूख जाती है। इस तरह इधर देखिए, ये वाइन ट्री है इधर, इसे महुआ कहते हैं, इससे शराब बनाया जाता है इसके फूलों से।